हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ़ एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम 2020 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो सात दस 2020 को एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज स्ट्रीमिंग वीडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा सबसे ज़्यादा यूज एक्स्ट्रीमिंग वीडियो फाइल फॉर्मेट है एच दो सौ चौंसठ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी एच दो सौ चौंसठ क्वेश्चन नंबर टू है वाट इज ए पेजर इन द पेजिंग सिस्टम पेजिंग सिस्टम में पेजर क्या है एक रिसीवर है ऑप्शन डी हो जाएगा टू का डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री है ए वाई फाई सर्व सर डिवाइस कैन बी वाई फाई इनेबल्ड डिवाइस कौन सा है पी में भी पर्सनल कंप्यूटर में भी यूज होता है और कहाँ पे यूज़ होता है लैपटॉप में भी यूज होता है पी लैपटॉप दोनों में बोथ ए एंड बी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर है विच इज़ थिकेस्ट लेयर ऑफ आइनोसफेयर आइनोसफेयर का कौन सा थिकेस्ट लेयर है तो एफ टू लेयर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर फाइव है बैंडविट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल इज गिवेन बाई क्या होता है बैंडविट एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल का बैनबिट क्या होता है टू एफ एम होता है और ये बी को जो है बी क्या है एफ सी प्लस एफ एम ये ब्रैकेट वाला को सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा माइनस एफ सी प्लस एफ एम एफ सी एफ सी कट गया क्या बचेगा टू एफ एम एफ एम प्लस एफ एम टू एफ एम तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फाइव का डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स है आर्म स्ट्रॉन्ग मैथड इज यूज फॉर जेनरेशन ऑफ आर्म स्ट्रॉन्ग मैथड से क्या जेनरेट होता है इनडायरेक्ट एफ एम को जेनेट किया जाता है ऑप्शन कौन सा जाएगा बी क्वेश्चन नंबर सेवन है द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन क्या होता है सिमेट्रिक होता है और ऑलवेज नन निगेटिव होता है ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर एट है एच ऑफ एक्स कॉमा वाई इज कॉल टू एच ऑफ वाई वाई बटे एक्स प्लस एच ऑफ एक्स हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एट का एंटू एच ऑफ एक्स क्वेश्चन नंबर नाइन है चैनल कैपेसिटी इन कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन चैनल कैपेसिटी कम्युनिकेशन सिस्टम किस पर डिपेंड करता है बैंडवीड सिग्नल टू माइजेसियो बोर्थ ए बी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नाइन का सी क्वेश्चन नंबर टेन है मैन में नॉइज इज यूजली फ्रॉम नन ऑफ एव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन है नॉइज ड्यू टू रेंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरियर इज क्या बोलते हैं रेंडम बिहेवियर के कारण जो नॉइज आता है उसको शॉर्ट नॉइज बोलते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है नोइज इक्वेलेंट टेम्परेचर ऑफ ए टू स्टेज कास्केट नेटवर्क इज गिवेन बाई क्या हो जाएगा टी ई वन प्लस टी ई टू बटे जी वन ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी क्वेश्चन नंबर थर्टीन है पावर डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑप्शन कौन सा आ जाएगा थर्टीन का सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है एस्ट्रेडियन इज ए मेजरिंग यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डी सॉलिड एंगल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है इन रेडार सिस्टम द चेंज इन ऑब्जॉर्व फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है डॉपलर शिफ्ट दिया है ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है फ्रीक्वेंसी ऑफ कू बैंड फॉर सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कू बैंड का फ्रीक्वेंसी कितना होता है बारह से चौदह गीगा हर्ज ऑप्शन सी हो जाएगा सी ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है इंटेल सेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल टेली सेटेलाइट ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर एटीन है मल्टी मोड स्टेप्स इंडेक्स फाइबर हैज़ ए लार्ज कोर डायमीटर ऑफ रेंज कितना हो जाएगा 100 से 300 माइक्रोमीटर ऑप्शन ए हो जाएगा 100 से 300 माइक्रोमीटर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है व्हेन द बेस ऑफ लोगेथमिक इज टू द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज किसमें हम लोग मेजर करेंगे बिट्स में ऑप्शन बी हो जाएगा नाइनटीन का बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है रेडार इज यूज्ड टू फाइंड लोकेशन मोमेंट प्रिसिपिटेशन ऑल ऑफ ए ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ एव ग्रुप बी का क्वेश्चन है जो कि चार नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर टू है मेंशन द नेम ऑफ टॉप ऑप्टिकल सोर्सेस एंड डिटेक्टर्स यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम इसी का और क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मॉडुलेशन कैलकुलेट मॉडुलेशन इंडेक्स ऑफ ए वे इफ ए मैक्स इज इजकअल टू फोर्टी वोल्ट एंड ए मीन इज इजकल टू ट्वेंटी वोल्ट दिया है तो मॉडुलेशन को डिफाइन करना है और आपको कैलकुलेट करना है मॉडुलेशन इंडेक्स तो मॉडुलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा ए मैक्स माइनस ए मीन बटे ए मैक्स प्लस ए मीन यहाँ से निकाल दीजिए क्या हो जाएगा फोर्टी माइनस ट्वेंटी बट्टे फोर्टी प्लस ट्वेंटी कितना गया बीस बटे साठ कितना आ जाएगा बीस बट्टे साठ जीरो से जीरो कट गया एक बट्टे तीन एक बट्टे तीन आ गया तो कितना एक बट्टे तीन आपका हो गया मतलब जीरो पॉइंट थ्री थ्री जीरो पॉइंट थ्री थ्री हो गया और मॉडूलेसन क्या होता है मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड बत्ते कैरियर फ्रीक्वेंसी का एम्प्लीटूड क्वेश्चन नंबर थ्री है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्क्रीट चैनल इसी का और क्वेश्चन है ए सोर्स डिलीवर्स फोर सिंबल्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर विथ प्रोबेबिलिटी वन बाई टू वन बाई फोर वन बाई एट एंड वन बाई एट रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट इन ट्रॉपी ऑफ द सिस्टम इन ट्रॉपी निकालना है क्वेश्चन नंबर फोर है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी वर्चुअल हाइट इसी का और क्वेश्चन है एराडार सिस्टम हैज अनएम्बिगियस रेंज एक सौ किलोमीटर कंप्यूट पी आर एफ पल्स रिप्टेशन फ्रिक्वेंसी एंड पी आर आई पल्स रिप्टेशन इंटरनल क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सटर्नल नॉइज एक्सटर्नल नॉइज के बारे में लिखना है इसी का और क्वेश्चन है टू आर एफ एम्पलीफायर आर कनेक्टेड इन कास्केट एज सोन इन फिगर जी वन दिया है फोर्टीन पॉइंट फाइव जी टू दिया है एटीन पॉइंट वन जीरो ठीक है नॉइज फिगर दिया है वन का जीरो पॉइंट सेवन फाइव डी बी और नॉइज फिगर टू का दिया है टू पॉइंट थ्री जीरो डीबी कैलकुलेट टोटल नॉइज फिगर आपको कैलकुलेट करना है नॉइज फैक्टर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर सिक्स है कैलकुलेट टोटल पावर इन बोथ द साइड बैन ऑफ ए एम वेव गिव एन पी सी इज कॉल्ड टू कैरियर पावर चार सौ वाट दिया है और मॉडुलेशन इंडेक्स जीरो पॉइंट फोर दिया है और कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है कैलकुलेट टोटल पावर इन बोथ द साइड बैन ऑफ़ द ए एम वेव टोटल पावर दोनों साइड वैन में तो पी टी इजक्ल टू क्या होता है पी सी वन प्लस एम स्क्वायर बाई टू टोटल पावर इन बोथ साइड वैन मीन्स साइड वैन का पावर निकलना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी सी प्लस पी सी इंटू एम स्क्वायर बाई टू तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा ये दिस इज साइड वैन पावर तो पी साइड वैन पावर टोटल साइड वैन पावर इजक्ल टू क्या होगा पी सी एम स्क्वायर बाई टू आपको दिया हुआ है पी का वैल्यू दिया हुआ है एम का वैल्यू दिया हुआ है पुट कर दीजिए यहाँ से टोटल पावर निकल जाएगा दोनों साइड बैंड का इसी का और क्वेश्चन है कैलकुलेट बैंड विर्थ मॉडुलेशन इंडेक्स ऑफ एफ एम सिग्नल गिवेन मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी 250 सौ दिया है और फ्रीक्वेंसी डेविएशन 5 किलो हर्ज दिया है तो बैंड विथ क्या हो जाएगा बैंड विथ इजकल टू क्या होता है टू डेल एफ प्लस एफ एम एफ कितना दिया है 250 दिया है तो टू इंटू दो सौ पचास प्लस फाइव किलो हर्ज कर लीजिए किलो हर्ज है तो इसको पाँच किलो हर्ज को क्या लिखेगा पाँच हज़ार हर्ज हो जाएगा दोनों को हर्ज में कहते दो सौ पचास प्लस पाँच हज़ार कितना हो गया बावन सौ पचास इंटू टू कर दीजिए यह यहाँ से आपको बैंडविड्थ मिल जाएगा ग्रुप सी है क्वेश्चन नंबर सेवन है एक्सप्लेन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन विथ नीट स्केचेज इसी का और क्वेश्चन है राइट एनी फोर डिफरेंसेस बिटवीन स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्वेश्चन नंबर एट है डिस्कस द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम इसी का और क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्वेश्चन नंबर नाइन है ड्रॉ द ब्लॉक डाइग्राम ऑफ बेसिक रेडार सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग इसी का और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम क्वेश्चन नंबर टेन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ फैक्स मशीन इसी का और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एम टी आई रेडार विथ सूटेबल ब्लॉक डाइग्राम क्वेश्चन नंबर इलेवन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड फ्रिक्वेंसी री यूज इन कॉन्टेस्ट ऑफ मॉडर्न कॉम्युनिकेशन सिस्टम इसी का और क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन रिडंडेंसी इन इंफॉर्मेशन थ्योरी तो ये आपका 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो अभी अभी एग्जाम हुआ है सिक्स सेमेस्टर वाले का दस दो हजार बीस को उसी का क्वेश्चन है आप देख सकते हैं क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिक्स सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच